मैंने पिछले कुछ वीडियो में चाइना को बुरा भला कहा, साथ ही साथ उसको दो चार बात भी बोला, गाली भी दिया और उसके बहुत सारे नीतियों के खिलाफ भी गया था। पर अब मानिए ना मानिए, पर जब मैं चीन का नीतियों को देखता हूँ, पॉलिसीज़ को देखता हूँ, देश चलाने का तरीका को देखता हूँ, तो मेरा मन भी पिघल जाता। मैं बार बार सोचता हूँ कि काश ऐसा नेता भारत में भी होता, काश कम्युनिस्ट पार्टी भारत में होता, काश इंडिया के अंदर ऐसा कोई नियम लेने वाला होता। मैं ऐसा नहीं कि मन से सोच रहा हूँ या फिर मैं चाइना के सपोर्ट में हूँ। चाइना के सपोर्ट में मैं ना कभी था ना होऊंगा, क्योंकि उन्होंने भारत के 20 जवान को शहीद किया था, इसलिए चाइना के मैं खिलाफ़ में ही रहता हूँ। पर वहाँ पर जो वो नीति बनाता है, हम लोग को मानना होगा कि वो सही नीति होता है, नहीं तो हम लोग पाकिस्तान की तरह हो जाएंगे कि कुछ है नहीं फिर भी अपना गुनगाता है। उनको सीखता नहीं है वो लोग भारत से, लेकिन भारत को सीखना चाहिए। मैं तो सीखता हूँ चाइना से बहुत सारी चीज़ों को, पर उसकी गलत चीज़ों को मैं बहिष्कार भी करता हूँ। जैसे सिंजांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों को वो काट रहा, वो गलत कर रहा है, लेकिन जबकि कोई दुनिया का अरब देश नहीं बोलता, तो मैं भी उसके खिलाफ मैं नहीं बोलता हूँ। क्योंकि जब मुस्लिम देशों को कुछ पढ़ा ही नहीं, तो मुझे क्या पढ़ा हुआ, मुझे क्या लेना देना, मैं ना उस धर्म का हूँ ना मुझे उससे कुछ लेना देना है। लेकिन अभी चाइना के अंदर सुनिए एक्चुअली में हुआ क्या है। वहाँ पे शी जिनपिंग ने बोला है कि हम लोग को इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आपके फ़ोन के अंदर प्रोसेसर, लैपटॉप के अंदर जितने भी प्रोसेसर होते हैं, डिस्प्ले होता है और आपके कंप्यूटर सब, जितने भी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होता है और हार्डवेयर ही सब होता है, चाइना का जो पॉलिसी है इसको इस तरफ शिफ्ट करना होगा। आमतौर पर आप देखें तो आपके घर में जितना टेक्नोलॉजी है ये सब चाइना का ही बना हुआ, प्रोसेसर भी चाइना का बना हुआ है, लेकिन फिर भी शी जिनपिंग बोल रहा है कि इतना काफ़ी नहीं है, हम लोग का GDP पे इसको उस हद तक कम से कम रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उतना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए ताकि हम लोग एक वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंडस्ट्री का कल्चर क्रिएट कर सके। उन्होंने कहा है कि जो भारत चाइना का डिजिटल इकोनॉमी है वो बड़ा तो है पर मजबूत नहीं है, वो तेज तो है पर सुपीरियर नहीं है, हमको सुपीरियर और स्ट्रांग बनना ताकि हम दुनिया में रूल कर सके, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आज अमेरिका कर रहा है। आज गूगल देखिए, यूट्यूब देखिए, ये सब कुछ आपका हम लोग का इकोनॉमी में जुड़ा हुआ है, हम लोग एक लाइफ साइकिल में जुड़ा हुआ है। उठते के साथ यूट्यूब देखेंगे जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, सोते वक्त गूगल चलाएंगे, दिन भर गूगल का प्रोडक्ट यूज करेंगे, नहीं तो कोई अमेरिकन प्रोडक्ट यूज करेंगे, फोन यूज करेंगे तो एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर है जो कि अमेरिकन है, तो इस तरह का चीज़ों को हम लोग यूज करते हैं। और अमेरिका किसी न किसी तरह से एक पूरी तरह से लूप होल, एक चेन बना दिया है अपनी ही टेक्नोलॉजी का, कि आप अगर मेरे इस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे तो इसको यूज करेंगे, इसको नहीं करेंगे तो उसको यूज करेंगे, और जब आप इन सब को यूज करेंगे तब आप मेरे ही अंडर काम करेंगे, आप मेरे लिए ही काम करेंगे। चाइना के अंदर जितने भी ये गूगल और बाकी कंपनीज बैन हुए हैं, इसका मुख्य कारण ये था कि ये कंपनीज किस तरह से डाटा को ट्रीट करते हैं कस्टमर का, वो चीज़ ये लोग बता नहीं रहे थे, जिस कारण एक अनहेल्दी और इरेगुलर ट्रेंड चलता था देश के अंदर, जो कि सरकार नहीं चाहती थी। भारत में देखिए, वहाँ पे फटा जींस पहन के घूमता है अमेरिका, इंडिया में भी पहन के घूमने लगेगा कुछ समय बाद, वहाँ पे लोग मीट खाता है, इंडिया में भी जो नहीं खाता वो भी खाने लगेगा कुछ समय के बाद, तो इस तरह का ये सिलसिला चलता है और हमेशा से चलता रहा, जो कि चाइना कभी नहीं चाहता था। चाइना चाहता था कि वो अपना देश का कल्चर को बचा के रखे, इसलिए वो क्या किया कि इन सबको बैन कर दिया टाइम रहते ही। और अब उसका फोकस ये है कि जो 6G टेक्नोलॉजी आ रहा है, 6G सिम कार्ड आएगा, बिग डाटा सेंटर्स बनेंगे, ये सब टेक्नोलॉजी पे वो हमेशा आगे रहे। और इतना ही नहीं, वो एक बल्कि वेडनेसडे को एक प्लान बना के दुनिया के सामने रख भी दिया डिजिटल इकोनॉमी का, मतलब सोचिए, सोचा, प्लान भी बनाया और उसको रख भी दिया, एक्सिक्यूट भी कर देगा कुछ समय में। इतना सब कुछ चाइना कर दिया क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट है, एक्शन जल्दी लेता। मैं सोचता इंडिया में भी ऐसा क्यों नहीं होता है। साथ ही साथ चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंपनीज और यूजर का कंप्लेन को भी सुनते हैं, वो लोग कहते हैं कि वहाँ पे लोगों का सुना नहीं जाता, पर ऐसा गलत है। वहाँ लोग जब कंप्लेन करते हैं कि हमारा डाटा गलत तरीका से यूज किया गया है, तो सरकार इस बात को सुनती है और कंपनीज पे एक्शन लेती है। वहाँ पे कंपनीज पे भी उतना ही दबाव है जितना लोगों पे है, और लोगों पे भी उतना दबाव है जितना कंपनीज पे, वहाँ पे कोई फ्री नहीं है, और सरकार सबका बात सुनती है, सब पे रिस्पॉन्ड करती है अकॉर्डिंगली, ताकि कोई भी किसी से छोटा या बड़ा ना हो, या भारत में कोई भी छोटा है कोई भी बड़ा हो, पर वहाँ चाइना में ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ ये जो चाइनीज सरकार प्लान बना रही है, ये अमेरिका के जितने भी टेक्नोलॉजी है उसको डाउनसाइजिंग और टेक्नोलॉजी और ट्रेंड को कम करने के लिए बना रही है। और आपको तो पता ही होगा कि चाइना में यूट्यूब नहीं चलता पर यूबी चलता है, वहाँ पे व्हाट्सअप नहीं चलता पर वीचैट चलता है, गूगल नहीं चलता पर बाइडू चलता है, वो हर चीज़ का अल्टरनेटिव बना के रखा है। और ये अल्टरनेटिव केवल वो लोग नहीं, दुनिया में बाकी बहुत सारे लोग भी यूज करते हैं। धीरे धीरे वो अपना ट्रेंड पूरा विश्व में फैला रहा है, जो कि आगे चल के शायद इंडिया को भी करना चाहिए। इनफैक्ट इंडिया को अभी से ये सब चीज़ करना चाहिए। इसमें आप मुझे बताइए कि क्या चाइना का आपका ये पॉलिसी, आपको जो मैंने भी बताया, ये सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही सही पॉलिसी है, और ऐसा ही पॉलिसी और सोच वाले बंदे भारत में चाहिए, जो कि सही समय पे सही डिसीजन लेके सही मायने में पूरा वर्ल्ड में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, इमेज क्रिएट कर सके, जो कि मोदी जी बहुत हद तक सही से कर भी रहे हैं। पर फिर भी भारत बहुत पीछे है, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी और चीज़ों को फ्री होकर गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले सकती, इवन इफ़ इट्स नेसेसरी, जरूरत होने पर भी भारत सरकार को पीछे हटना पड़ता है। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन बताएं कि इसमें आपका क्या सोच है, और आप मुझे इस वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए टिप्स दे सकते हैं नीचे फीडबैक में, मैं उसको कंसिडर करूँगा, क्योंकि मैं भी सुनता हूँ, समझता हूँ आप लोगों का भावना को।
और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।